यादव जी, जो तमाम मुद्दे अब तक विपक्षी गठबंधन की तरफ से सामने आ रहे थे, आप खुद कह रहे थे इंडिया में जो पीडीए है, अब आपके उस वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। देखिए, बीजेपी हर मुद्दे पे फेल हो चुकी पूजा जी, और फेल होने का उदाहरण खुद बीजेपी के प्रवक्ता और एनडीए के साथी दिया करते हैं टाइम टाइम पे, और मोदी जी भी दे देते हैं। अभी कहा का ये घमंडिया लोग हैं, अरे पाखंडियों के मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं लगता है। कम से कम पाखंडियों को इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाखंड किसका? भगवान का। पाखंड किसका? धर्म का। पाखंड किसका? देश की अस्मिता का। पाखंड किसका? राष्ट्रवाद का। सब तो पाखंड ही है आपका, हकीकत कहाँ निकला? अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे मोदी जी ने ये दिया वो दिया, ये किया वो किया, जो कहा था वो नहीं किया। ना 15 लाख दिया, ना 2 करोड़ रोजगार दिए, ना काला धन आया जो सबसे बड़ा मुद्दा था, ना दाऊद आया, ना तमाम सारे भगोड़े आए, ना भागे हुए मोदी आए, कोई नहीं आया। तो दिया क्या आपने? ये तो सब आप दिल बहलाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा वाला कुछ आप बता रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री बनाया देश ने, कुछ ना कुछ तो करोगे, नकारेपन की सीमा थोड़ी नहीं पार कर जाओगे। प्रधानमंत्री बनाया देश ने तो कुछ ना कुछ तो करना है, और कर कब रहे हो? जब जीएसटी का सबसे बड़ा कलेक्शन आपके पास है, क्यों? क्योंकि आपने अभी मेरे साथी ने कहा कि भैया दूध पे भी टैक्स ले रहे हैं। तो आप अगर टैक्स पे टैक्स लेते जाएंगे तो सारा तो अपने दोस्त को नहीं देंगे ना, कुछ जनता पे भी खर्च करना पड़ेगा। तो आपने कुछ डिफरेंट नहीं किया है। जो पार्टी भी डिफरेंस, सरकार भी डिफरेंट की बात कर रहे थे, कहते ना मनमोहन सिंह महंगाई का माँ नहीं बोलते हैं। अरे साहब, आप माँ तो छोड़ो, आप महंगाई ही नहीं बोलते हैं, माँ का छोड़ो इसका जिक्र ही नहीं करते हैं। लेकिन मनोज जी, यहाँ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इसका जिक्र कौन कर रहा है? यहाँ तो बात जातिगत जनगणना की हो रही है, यहाँ बात पीडीए की हो रही है, ये मुद्दे कहाँ दिख रहे हैं? मणिपुर को लेकर कहाँ लग रहा था कि ये चुनावी मुद्दा होगा 2024 का, कौन उसके बारे में बात कर रहा है? अच्छा, लाल किले से देश का प्रधानमंत्री परिवारवाद की बात करेगा, एक जाति की एक धर्म की बात करेगा, तो हम कैसे नहीं उठाएंगे इस मुद्दे को कि जाति जनगणना हो? जो आपस में नफरत का माहौल बनाया बीजेपी ने, उस नफरत के माहौल को हम कैसे खत्म करेंगे? यही तो है रास्ते, और उन रास्तों पे ही तो चलने की बात समाजवादी पार्टी और इंडिया कर रहा है। राहुल गांधी जी ने गलत क्या कहा? इंडिया जीतेगा तो बीजेपी को क्यों दर्द हो रहा है भाई? इंडिया जीतेगा, आप में अगर दम है तो आप कहो इंडिया जीतेगा, लेकिन यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना चाह रहे हो। और मोदी जी ही सब कुछ है इस देश में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नहीं कह सकता, कांग्रेस नहीं कह सकती, आप पार्टी नहीं कह सकती, और अभी आप पार्टी के प्रवक्ता को बता रहे थे कोई साहब इनके 2 मंत्री जेल में हैं, वो इसलिए हैं, वो बेल पे कल हो जाएंगे, भाजपा तो ज्वाइन करने का अवसर मिले उनको, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो कैसे उनको बेल मिलेगी भाई? आज अमरमणि त्रिपाठी की देखिए, उनको छोड़ दिया गया उनके अच्छे आचरण की वजह से, हत्यारे थे कवित्री के। और योगी आदित्यनाथ क्या कहते थे? अरे यहाँ तो या तो अपराधी जेल में रहेगा या तो प्रदेश से बाहर रहेगा। आपको पता है अब उत्तर प्रदेश में भी अपराधी हैं, और जो अपराधी जेल में उनको भी बेल मिल रही है। तो किस मुंह से आप लोग ये बातें कह रहे हो भाई? ये कोई एक आधार तो बताओ, तो ये कोई तरीका तो बताओ कि हम इस हिसाब से जेल मैनुअल में बदलाव करके किस तरह से खूंखार अपराधियों को, किस तरह से जो बाहुबलियों को रिहा किया जा रहा है, इसके लिए तो बिहार सरकार को खेला जा सकता है।